नमस्कार मित्रों, आज हम एक बुक के बारे में जानेंगे जो मैं ज्योतिष की वीडियोस मैंने बनाई थी, जिसमें कि सगाई के मुहूर्त, शादी आदि के मुहूर्त हैं। तो उसमें कमेंट्स आए थे कि आप ये जो चीज़ें बताती हैं किस पुस्तक से बताती हैं और ये किस पुस्तक में है। तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी पुस्तक का रिव्यू लेकर आया हूँ। ये मेरी पुस्तक है ज्योतिष सर्व संग्रह और पंडित श्री रामस्वरूप शर्मा मेरठ निवासी जी की ये पुस्तक है और मैं अपने लिए यही उपयोग करता हूँ। और भी पुस्तकें हैं लेकिन ये बहुत सरल पुस्तक है, इसमें देखकर आप काफ़ी जल्दी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे पुस्तक के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखें, आइए शुरू करते हैं। तो ये मेरी काफ़ी पुरानी पुस्तक है, लगभग 10 साल से मेरे पास है। इस पर मैंने ये कवर चढ़ा रखा था तो आपके लिए निकाल दिया। थोड़ी फट भी गई है लेकिन ये बहुत लकी पुस्तक है मेरे लिए, इसलिए मैंने बदली नहीं है। और कुछ क्या है, पुरानी पुस्तकों से बहुत लगाव हो जाता है, जिससे हमने सीखा हो ये कर्मकांड आदि, तो इससे मुझे बहुत लगाव, इसलिए मैंने चेंज नहीं की, उसी पुस्तक को मैं चला रहा हूँ। और ये इसका फ्रंट कवर है, ये आप देख सकते हैं, असली पंडित रामस्वरूप शर्मा मेरठ निवासी की ज्योतिष सर्व संग्रह, भाषा टीका शैत है। ये थोड़ी फट गई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी पुरानी पुस्तक है मेरी, इससे ही मैंने ये बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। ये विषय सूची है, आप ध्यान से देखें। जातक प्रकरण प्रथम भाग, 12 महीनों के नाम पृष्ठ संख्या 5 पर, 16 तिथियों 3 तिथियों तथा 7 वारों के नाम, 16 तिथियों 3 तिथियों तथा 7 वारों के नाम पृष्ठ 6 पर, 28 अक्षरों के नाम पृष्ठ 7 पर, नक्षत्रों के देवता और 27 योग देखना पृष्ठ 7 पर है, षड ऋतु देखना पृष्ठ 8 पर है, 6 दिशाओं के स्वामी और 11 करण बनाने का प्रकार ये पृष्ठ 9 पर है, 12 राशियों के नाम तथा दिनमान पृष्ठ 10 पर है, 4 अक्षरों के नक्षत्र पृष्ठ 11 पर हैं, 9 अक्षरों की राशि, 2 अक्षरों की राशि चंद्रमा देखना पृष्ठ 12 पर है और पृष्ठ 12 पर है, लग्न भोग चक्र तिथि नक्षत्र व लग्न गंडांत पृष्ठ 14 पर है, ज्येष्ठा नक्षत्र फल मूल नक्षत्र फल पृष्ठ 15 पर है, मूल वृक्ष फल और श्लेषा नक्षत्र फल पृष्ठ 16 पर है, मूल ज्येष्ठा व श्लेषा नक्षत्र के अलग अलग विचार मूल नक्षत्र मंत्र लघु मूल मंत्र श्लेषा मंत्र ये पृष्ठ 17 पर हैं, ज्येष्ठा अश्विनी मघा व रेवती मंत्र पृष्ठ 18 पर हैं। यावन सामग्री भी इसमें लिखी हुई है पृष्ठ 18 पर, जन्मपत्री लिखना पृष्ठ 19 पर, जन्म कुंडली चंद्र कुंडली लग्न परीक्षा और ग्रहों का फल पृष्ठ 20 पर, राशियों के स्थान शुभ ग्रह शुभ ग्रह देखना 21 से 27 पृष्ठ पर है। फिर इसमें है स्त्री कुंडली फल देखना, ये 28 से 31 पेज पर है, छठी दशटून बतलाना पृष्ठ 31 पर, वर्ग वर्ग चक्र वर्ग वैर वर्ग फल देखना ये पृष्ठ 32 पर है, 12 स्थानों के नाम द्वादश भाव संज्ञा ये ग्रहों की दृष्टि पृष्ठ 33 पर, ग्रहों की अवधि नवग्रहों की जाति ग्रहों की रंग और 12 राशियों के स्वामी देखना ये 35 पर है, उच्च नीच ग्रह देखना ग्रहों के दान पृष्ठ 36 पर। इसके बाद ये देखिए आप ग्रह दान वस्तु चक्र पृष्ठ 37 पर, होरा देखना ग्रह जप संख्या पृष्ठ 38 पर, ग्रह दान समय वर्ण देखना वर्ण चक्र पृष्ठ 39 पर, वर्ण फल वैश्य देखना वश्य फल 40 पर, तारा देखना तारों के नाम 41 पर, तारा शुभ सुफल योनि देखना 41 पर, और योनि चक्र योनि वैर देखना योनि वैर चक्र ग्रह शत्रु मित्रता देखना 42 पृष्ठ पर, ग्रह शत्रु मित्र चक्र गण देखना गण चक्र 43 पर, गण फल भकूट फल नाड़ी देखना 44 पर, नाड़ी चक्र नाड़ी दोष नाड़ी फल 45 पर, और ये गोचर ग्रह देखना द्वादश लग्न भाव फल 46 पर, धन भाव फल 46 पर, मातृभाव फल 47 पर, पुत्र भाव फल ऋपु भाव फल 47 पर, स्त्री भाव फल मृत्यु भाव फल 48 पर, और धर्म भाव फल कर्म भाव फल 48 पर। इसके बाद लाभ भाव फल व्यय भाव फल और इसके बाद
लाभ भाव फल व्यय भाव फल गृह भाव चक्र गृह शांति रत्न चक्र भाग देखना 49 पर भाग फल गृह नपुंसक देखना 50 पर भकुट मेल देखना पाय देखना 50 पर सर्वोपरि चक्र मंगली मंगली दोष भद्रा देखना 51 पर। इसके बाद भद्रावास चंद्रमा के साथ भद्रावास चंद्रमा चक्र भद्रावास चक्र चंद्रमा के साथ भद्रावास भद्रा चक्र भद्राफल देखना 52 पर। कन्या व पुत्र स्त्री पहले मरे या पुरुष जीवित की कुंडली है या मरेगी 53 पर। संक्रांति पुण्य काल फल आदि मध्यंत भोगी चक्र 54 पर। संक्रांति मुहूर्त भेद भद्रा के मुख पुच्छ देखना 55 पर। और पौष तथा मीन संक्रांति फल 56 पर। संक्रांति समय फल 56 पर। इसके बाद ये और देख लें सगाई का मुहूर्त जन्म पत्र गुण विचार विवाह सुझाना 57 पर ये निशान लगाना। ज्येष्ठ विचार 58 पर। विवाह नक्षत्र देखना विवाह के मास विवाह में वर्जित नक्षत्र तिथि बार विवाह वर्जित योग 59। ये विवाह प्रकरण द्वितीय भाग था जो भी हम पढ़ रहे थे और ये मुहूर्त प्रकरण ये आ गया तृतीय भाग। एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप पुस्तक को जब खरीदें तो उसमें देखना मुहूर्त प्रकरण ये चंद्रमावास आदि देखना चंद्रमावास फल देखना गोधूली आदि। और उसके बाद ये है प्रश्न प्रकरण चतुर्थ भाग उसमें ये प्रश्न करते समय अंग स्पर्श का फल आदि इसमें दिए हैं और ये पुस्तक कुछ ऐसी है पुस्तक देखें आप ये काफ़ी पुरानी पुस्तक है मेरे पास और मैंने लगभग 10 सालों से ये पुस्तक मेरे पास ये पंडित जी का चित्र है तो ये पंडित जी को आप देख सकते हैं और ये पुस्तक कुछ ऐसी दिखती है और आगे से कुछ ऐसी है ज्योतिष सर्व संग्रह बहुत पुरानी है मेरठ निवासी पंडित जी की पुस्तक है असली पंडित राम स्वरूप शर्मा मेरठ निवासी की ज्योतिष सर्व संग्रह भाषा टी का शायद इस नाम से आप इस पुस्तक को लें और काफ़ी उपयोगी पुस्तक है और ये आप यहाँ से भी मंगवा सकते हैं इसमें ये पता दिया हुआ है ये क्रिएटिव पब्लिकेशंस ये दिया हुआ है क्रिएटिव पब्लिकेशंस 44/22 नई सड़क दिल्ली ये नंबर दिया 11006। तो इस तरह से आप इस पुस्तक को मंगवाएं और उपयोग करें। धन्यवाद।